हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल ऑफ कलायत। मैं मनीषा दीवान आप लोगों को सिक्स क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। और बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपका जो फर्स्ट टेस्ट है उसका सिलेबस आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा सेंटेंस वाला। आपके लिए गाइडलाइन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है वो आपके डेफिनेशंस में से कोई क्वेश्चन हो सकता है या फिर आपके एक्सरसाइज के अंदर। तो एक बार हम लोग क्या है, रोज़ थोड़ा थोड़ा जब तक आपका टेस्ट होता है तब तक हम थोड़ा सा ब्रीफ ये जो चैप्टर हैं आपके, इनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के लिए सेंटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस होता क्या है, क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस होता है, यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है सेंटेंस की, कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। लास्ट जो वीडियो है, लास्ट वीडियो थी जो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन, जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो है, वो भी इसी चैनल पर है, आप लोग उसको भी ईजिली देख सकते हो। एक और चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, और लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी आप लोगों को, तो जिसने नोट नहीं किया है। तो सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है ये देखो, ग्रुप जो होता है वर्ड्स का वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। याद रखना, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब कुछ चीज़ रिमेंबर रखो कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से बिगन होता है। किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे माय सिस्टर इज़ अ टीचर, मीनिंगफुल सेंस बननी चाहिए उस सेंटेंस की, तो वो हमारे क्या होता है, सेंटेंस बोला जाता है। अब सेंटेंस में हमें एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेंटेंस के अंदर वर्ब भी कैरी होती हैं। ये कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाए थे, इनको आप रिवाइज करेंगे एक बार। द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट आर नॉट कम्प्लीट, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड अ वर्ड्स। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें सेंस तो बनती है बट इतनी अच्छी तरह से सेंस नहीं बनती है उनकी, वो पूरे कम्प्लीट सेंस नहीं देते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये पूरे कम्प्लीट सेंटेंस नहीं है। तो कुल मिला के निकल के आता है कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप का जो वर्ड्स का ग्रुप होता है वो सेंटेंस होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब और ये भी के साथ वो जो सेंटेंस हमने बनाया उसका मीनिंग होना चाहिए। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनको आप रीड आउट करोगे। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना था, जंबल वर्ड्स थे, आपने एक्सरसाइज कर ली होगी, ठीक है। तो हो सकता है ये भी आपके एमसीक्यूज में आ जाए, जंबल वर्ड्स। रीअरेंज जंबल्स वर्ड, क्या करना है इसको, आपने जंबल वर्ड को अरेंज करना है। जैसे इज इजी दिस बुक टू रीड, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा तो दिस से स्टार्ट हो रहा है, ये मत सोचना इसका लेटर कैपिटल है, कहीं पे कोई कैपिटल लेटर नहीं है, क्योंकि दिस से ही, दिस से, दैट से, सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो दिस बुक इज ईजी टू रीड, दिस बुक इज ईजी टू रीड, तो ये हमारा। इसी तरह से आप लोगों ने ये सारे जंबल वर्ड्स जो हैं वो करके देखने हैं, ठीक है। आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो होता है 30 तारीख को, और अभी शायद हमारे पास आज होगी है 27, तो 27, 28, 29, यानी आप लोगों के पास 3 दिन है। 3 दिन में आप ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से रिवाइज कर दोगे, ठीक है बच्चों। आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का जो टेस्ट है वो आप लोगों का 30 तारीख को है, लिंक के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज आपने यही चीज़ अच्छे से सीखो कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको अरेंज किया गया है मीनिंगफुल सेंस में, कंप्लीट सेंस बनाता है जो, ठीक है। यही आपका क्या है, सेंटेंस, ठीक है। अब ये आपने सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये अरेंज करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। सेकंड एक्सरसाइज आपकी क्या करनी है, सेकंड एक्सरसाइज में जो आपका सेंटेंस है
उसको आप टिक करोगे, जो सेंटेंस नहीं है उसको आप क्रॉस करोगे। जैसे फिनिशिंग स्कूल इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव, नहीं सेंस नहीं बन रही है, स्कूल ख़त्म करना केवल ऑप्शन है तुम्हारे लिए, नहीं बन रही ना, तो इसलिए ये कैसे है, ये किसी भी तरह का कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है। इट मीन्स ये क्या नहीं है, ये वर्ड का जो ग्रुप है ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रही, इट मीन्स ये सेंटेंस नहीं है। अब देखो, द एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल, जो हाथी है एन ह्यूज एनिमल, बड़ा सा जानवर, हाथी बड़ा सा जानवर है, तो ये क्या बन रही है, सेंस बन रही है ना, तो इट मीन्स ये क्या है, ये टिक है, यानी ये क्या है हमारी टिक है। क्यों है, क्योंकि ये हमें मीनिंगफुल सेंस दे रही है। ये टोटल मेरे ख्याल से एक्सरसाइज है इसके अंदर थी 3 3 3 3 और 5 6 6 एक्सरसाइज है हमारे पास इसकी। तो आज हम इसकी, मैं इसकी दो ही एक्सरसाइज आपको बोलूँगी, आप रिवाइज करेंगे। आपकी वीडियो जो है आगे सिलेबस करवाना पॉज हो चुका है, ठीक है, तो इसीलिए आपका होमवर्क ये है कि आप ये फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज और ये सारा पीछे वाला क्या करेंगे, आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।